आज की वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर जो है कलेक्ट किया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सीबी एडिटिंग प्लस यहाँ पर स्मॉग एडिटिंग प्लस कार एडिटिंग प्लस ऑयल पेंट एडिटिंग और यहाँ पर एक मूवी पोस्टर लुक भी आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए क्योंकि मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ सबसे आसान स्टेप। तो स्टेप हम वहीं से शुरू करेंगे PNG बनाने से। तो टूल्स में चले आएंगे फ्रीकोप में और इसे PNG बना लेंगे। जिस तरीके से बात कर लूँ मैं लाइक और कमेंट की, तो देखिए जब मेरे चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर थे तब भी मेरी वीडियोस पे जो है 50 से 60 जो है लाइक्स आ जाते थे। अभी आप देखेंगे तो लगभग 24000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर हो गए हैं, लेकिन कोई भी वीडियो पर अगर आप देखेंगे तो 100K प्लस कोई पे भी लाइक नहीं है और मुझे नाम तक याद है जो मुझे कमेंट करते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाई डिसलाइक तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर अगर वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। अब यहां पर बात कर ले बैकग्राउंड की। यहां पर तो मैंने एक CB बैकग्राउंड एडिट कर दिया, यानी कि यहां पर इसमें 3-4 इफेक्ट लगा दिए ताकि आपको और भी सिंपल स्टेप मिल जाए। तो इसे पूरी तरह आपको जो है यहां पर रख देना है और इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा फ़ोटो भी आपको एडिट करना होगा जिसे मैंने खुद एडिट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा कटआउट और PNG तरीके से जो है इसकी कटिंग करने की थी। तो यहाँ पर अगर आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न होगा और आपको मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा हार्ड स्टेप, इसलिए ये फ़ोटो भी मैंने जो है वो आपके लिए रेडी कर दिया है। आप लिंक से डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको रख देना है, पूरी तरह से जो है हमारे पेज के ऊपर आ जाए। इस तरीके से कार रखिए और कार को जो है वो बीचों बीच में रखने के बाद इस तरीके से एडिट कर दें। एडिट करने के बाद जो है हम चले आएंगे इफेक्ट में और यहाँ पर लगाएंगे 3 इफेक्ट ताकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो एक CB और ऑयल पेंट बैकग्राउंड बन जाए। तो यहाँ से हम जाएंगे चौथे इफेक्ट में और उसके बाद यहाँ से इफेक्ट ले लेंगे NEON नियोन नाम का इफेक्ट हम ले लेंगे। ऊपर से क्लिक करेंगे रबर पे क्लिक करने के बाद आपको यह मिल जाएगा एक ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद आपको यहाँ पेंसिल के सिंबल पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर जो है हम जो है ज़मीन पर यानी कि लैंड के नीचे के पार्ट में जो है ये इफेक्ट खाली लगाएंगे और बाकी के पार्ट को ऐसे ही छोड़ के हम डन कर लेंगे। इसके बाद वापस से चले आएंगे इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद हम सेकंड इफेक्ट लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑप्शन में HDR जो है इफेक्ट ले लेंगे और ऊपर से क्लिक कर देंगे रबर पे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रबर पे ही क्लिक करना है और पीछे का पूरा बैकग्राउंड जो है वो हमें इतना ज़्यादा जो है इफेक्ट वाला नहीं चाहिए, हमें यहाँ सिंपल चाहिए ब्लर वाला। तो हम जो इस तरीके से करके डन कर लेंगे। अब बात आ जाती है इफेक्ट नंबर 3 की, तो हम चले जाएँगे वापस से यहीं पर चौथे नंबर ऑप्शन में। यहाँ पर ऑयल पेंट का आपको इफेक्ट मिल जाएगा। इसके बाद जो है आपको ऊपर क्लिक कर लेना है रबर के सिंबल पे। क्लिक करने के बाद आपको वही ऑप्शन दोबारा करना है, यहाँ पर रबर पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर हमें सिर्फ बैकग्राउंड में जो है ऑयल पेंट नहीं चाहिए क्योंकि वो सिंपली ब्लरी है जो ये फ़ोटो का लुक बढ़ा रहा है। तो हमें पीछे की साइड जो है वो ऑयल पेंट नहीं चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो मैं पीछे का ऑयल पेंट हटा दूंगा और बाकी इसे ओके करने के बाद ऑयल पेंट मुझे कितना रखना है वहाँ से मैं इसका सेटिंग कर लूँगा। आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं कि आपको ऑयल पेंट कितना रखना है और मैं इसे कर लूँगा डन। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड तैयार। अगर आपको बैकग्राउंड तैयार चाहिए तो भी आपको लिंक से मिल जाएगा और आप एडिट करना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। मैं दोनों की लिंक एक ही लिंक में दोनों फ़ोटो अपलोड कर दूंगा। तो बैकग्राउंड देखिए इस तरीके से हमारा रेडी हो चुका है। अब चले जाएंगे हम ड्रॉ में। ड्रॉ में जाने के बाद जो है हमने स्टार्टिंग में जो PNG बनाया था वो हम डायरेक्टली यहाँ पर एडिट कर लेते हैं। और बात कर ले PNG बनाने की, तो देखिए अगर आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे PNG बिल्कुल ही नहीं कतई नहीं बनेगा। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस करें, ज़रूर PNG आप बना पाएंगे। प्रैक्टिस बिना देखिए कुछ नहीं होता, तो प्रैक्टिस करते रहिए आपसे एक अच्छा PNG बन जाएगा। ठीक है, हम भी जो आप मेरी बात करें तो मैंने भी काफ़ी प्रैक्टिस की है, उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं अच्छा एक PNG बना पा रहा हूँ। तो आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर PNG बना पाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मूवी पोस्टर का जो नीचे सबटाइटल्स होते हैं वो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद ले लूँगा मैं एम्प्टी लेयर्स। लेयर्स लिए बिना कोई भी फ़ोटो ऐड ना करें, नहीं तो आप उसे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और सारे जितने भी फ़ोटो यूज़ हैं आपको एक ही लिंक से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं PNG साइज़ की सिगरेट और इसे हम जो है यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन लेके एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद जो इसे हम अपने यहाँ पर रख देंगे। रखने के बाद जो है वो आपको थोड़ा सा इरेज कर लेना है ताकि ये हमारे माउथ के अंदर आ जाए। ठीक है, ये हमारी सिगरेट हो गई।
फिर से मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, देखिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इस तरीके से जो है वो आप एडजस्ट कर लीजिए। तो शुरुआत में जो बात हुई थी कि यहाँ पर जो है एम्प्टी लेयर्स लिए बिना कोई भी जो है फ़ोटो ऐड ना करे, तो मैं ले लूँगा एम्प्टी लेयर्स। लेयर्स लेने के बाद एक और फ़ोटो में इसके अंदर ऐड करूँगा स्मोक का, ठीक है। तो अगर आपको बैकग्राउंड एडिट नहीं करना तो वो आपको लिंक से तैयार बैकग्राउंड भी मिल जाएगा, और अगर आप सीखने के लिए जो है एडिट करना चाहते हैं तो आपको फ़ोटो भी मिल जाएंगे जिससे जिसके हेल्प से आप एडिट कर पाएंगे। तो बैकग्राउंड भी यहाँ पे आपको तैयार मिल जाने वाला है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली फ़ोटो एडिट करने से। तो यहाँ पर मैं स्मोक रख दूँगा, देखिए सिगरेट जो है उसके आसपास ही रखिए, आप इस तरीके से रख देंगे तो एक अच्छा लुक आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है एक और फ़ोटो हमें यहाँ पर एड करना होगा, सबसे लास्ट फ़ोटो। ये फ़ोटो आप चाहें तो एड करें वरना ना करें, लेकिन अगर आप एड करेंगे तो एक अच्छा लुक आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये फ़ोटो को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इसे चिंगारी कहते हैं हिंदी में, ये मुझे पता है। यहाँ पर मैं रख दूँगा, रखने के बाद जो है यहाँ से मैं स्क्रीन इफेक्ट फ़ोटो लेयर्स में जाके स्क्रीन इफेक्ट सिलेक्ट कर लूँगा, और इसे जो है नीचे हमने मूवी टाइटल्स दिया है वहाँ पर मैं इसे रख दूँगा, ठीक है। इस तरीके से एक अच्छा सा लुक हमें यहाँ पर देखेंगे आप तो मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा टच मेकअप जो हमें करना होगा, फाइनल टच जिसे कहते हैं, वो हमें यहाँ पर करना होगा। तो उसके लिए मैं इसमें ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा, क्योंकि देखिए हमारा फ़ोटो जो है इस फ़ोटो में से थोड़ा अलग दिखना चाहिए, तभी एक लुक आएगा। तो मैं चले आऊँगा टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद ब्राइटनेस में, ब्राइटनेस ये रहा और इसे मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे पूरे फ़ोटो पे ब्राइटनेस नहीं चाहिए, मुझे खाली अपने आप पे ब्राइटनेस चाहिए। तो मैं इस तरीके से ऊपर से कर लूँगा रबर पे क्लिक, क्लिक करने के बाद यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और पेंसिल वाले सिंबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है अपनी बॉडी पर खाली मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा, ताकि बैकग्राउंड से मेरा फ़ोटो थोड़ा सा अलग दिखे और एक अच्छा लुक मुझे मिल सके। इसी तरीके से आप सबसे लास्ट इफेक्ट हमें यहाँ लगानी होगी, मैं चलाऊंगा इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद आपको ऑयल पेंटिंग इफेक्ट दूसरी बार आपको लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने स्मोक ऐड किया है हमारी जो टी शर्ट और जीन्स है उस पर भी थोड़ा थोड़ा सा फाइनल टचअप कर देंगे हम ऑयल पेंट का, तो हमें एक अच्छा खासा लुक मिल जाएगा। तो मैं इसी तरीके से ऊपर से क्लिक करूँगा रबर पे, यहाँ से क्लिक कीजिए फर्स्ट ऑप्शन पे और फिर पेंसिल वाले सिंबल पे क्लिक करिए, और यहाँ पर देखिए अगर स्मोक पे हम ऑयल पेंट इफेक्ट देंगे, देखिए काफ़ी अच्छा लुक हमें मिल जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा जो है अपने टी शर्ट और जीन्स पर भी लगा देता हूँ, ताकि एक फाइनल टच हमारे फोटो को मिल जाए और एक अच्छा लुक हमें मिल सके। और ये करने के बाद जो है मैं कर लूंगा ओके, और ये हो गया हमारा फोटो।